हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और मैंने पिछले वीक एक वेबिनार किया था और उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है, तो आप इसको जरूर एंजॉय करिए, काफी लर्निंग है इसमें। और मैं ये यूट्यूब पे पब्लिश बाद में होगा, बट अभी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं वहां से। मार्केट हमारा काफी गिर गया और मार्केट क्यों गिरा, इसके पीछे का कारण क्या था, इन सबको हम डिस्कस करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे आपके लिए करता हूं मैं, जिससे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इन सब में ट्रेड कैसे करते हैं उसकी प्लानिंग होती है। ओके, चलिए। ये वीक काफी अलग था, यहाँ पे काफी फेस्टिवल्स थे तो मैं वीडियो नहीं बना सका, बट अब से कंटिन्यू रहेगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। लेकिन एक अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने डेली वाले व्यू पे। देखिए, जो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं वो कंटिन्यू है ही, आप सबको पता है। फिलहाल जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू होगी। सो 25 जनवरी मतलब आपका परसों है, तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं कि आप जो भी मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप, या फिर मुझसे सीखना चाहते हैं तो बेसिकली मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बैच 25 को चालू होगी और आपको यहाँ पे काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत लंबा कोर्स होता है, 25 से 30 दिन का पूरा कोर्स होता है, 22 से 25 क्लासेस चलती हैं। बेसिक से एडवांस लेकर के फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा एनालिसिस, इन सबको मैं सिखाता हूँ। इन सबकी बेनिफिट्स और लर्निंग आपको मिलेगी। तो मैं ये वीडियो आपको, अगर आप देखना चाहते हो पूरा अच्छे से, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे जैसे कि ये बेनिफिट्स हैं जो आपको इक्विटी सेगमेंट में सिखाए जाएंगे, देन उसके बाद आपके यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में आपको सिखाए जाएंगे, एंड देन उसके नीचे आपके बेनिफिट्स क्या है क्लासेस को ज्वाइन करने के, एंड उसके भी नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, रात को 9 से 10:30 तक क्लास चलती है। 10 बजे यहाँ पे लिखा है, बट क्लास क्वेश्चन आंसर लेने में 10:30 बज जाते हैं। जूम एप्लीकेशन पे चलेगी। फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, 5000 की फीस है। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम कुछ भी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका नाम, ईमेल आईडी और सिटी जरूर भेजिएगा और आपको वहाँ पे काफी मतलब अपडेट कर दी जाएगी और इनरोलमेंट हो जाएगा। सो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहती हैं। ये वाली 25 जनवरी की चल रही है, उसके बाद मार्च में चलेगी, तो आपको अपडेट्स मिल जाएगा। और एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इसके लिए, तो आप मेरे होम पेज पे अगर आओगे तो यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ डेट चेंज है, तो आप डेट को ध्यान में मत रखिए, करंट डेट के लिए आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो कोर्स की डिटेल है यहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके पहले आज के दिन में मार्केट में हुआ क्या और ये क्या पहले से हम अंदाजा लगा सकते थे। यस, डेफिनेटली। देखो, मैं अपने वीकली एनालिसिस जब आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो कोई छोटी मोटी एनालिसिस नहीं है, और मैं चैलेंज करता हूँ जिस लेवल की वीकली एनालिसिस मैं आपको करके देता हूँ वो शायद ही कहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैं डेटा, चार्ट, ग्लोबल क्यूज, इन सबको एनालिसिस करता हूँ। और हमने जब पिछले वीक में किया था तो ये एकदम क्लियर कट था कि मार्केट जो है ओवरबॉट जोन में आ चुका है। हमने डेटा भी देखा था, हमने ग्लोबल क्यूज को भी देखा था, और मैंने आपके साथ एक पॉइंट को डिस्कस किया था जो कि था डॉलर इंडेक्स का एक पॉइंट। तो आप अगर डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, ये यूएस का टेन ईयर, यूएस का डॉलर इंडेक्स है, तो ये सिंपली मतलब बेसिकली सभी का है, यूएस का नहीं है। ये वाला लेवल मैंने आपको कहा था कि ये साइडवेज था, यहाँ पे सिंपली आप देखें, यहाँ पे ये एक रिकवरी दे करके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे जाता तो ठीक था, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर चला गया। तो मैंने आपके शेयर किया था, अगर ये लेवल के ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर हमारे मार्केट के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर हमारा मार्केट अगर नहीं बढ़ेगा तो गिरेगा, सॉरी, अगर गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, ये भी याद रखिए। तो वहां पे देखिए कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ। और देखो, एक बार अगर इसने सिग्नल दे दिया, ब्रेकआउट हो गया, अब बोलोगे सर जी इसने तो ब्रेकआउट बहुत पहले दिया था, बाद में क्यों मार्केट गिरा। देखो ये है ना, ये एग्जैक्ट एक साथ नहीं होता, एक साथ अगर हो जाएगा तो आप सब पकड़ लोगे ना इसको, आप सबको उल्लू भी तो बनाना है ना, बेसिकली रिटेल ट्रेडर को उल्लू बनाया जाता है। ओके, तो ये बेसिक एक फंडा है। यहाँ पे आपका ये क्लियर कट सिग्नल मिल गया था कि आपका मार्केट जो है अब सस्टेन नहीं कर सकता हायर लेवल्स पे, उसको गिरना ही पड़ेगा या तो फिर कूल डाउन होना पड़ेगा। और निफ्टी का पी भी आप अगर देखोगे तो गिर चुका है। तो बेसिक फंडा एक ये है कि आप ऐसी चीजों को जरूर ध्यान रखो और इन सब चीजों को देखते रहो। और देखो, ये छोटे मोटे ट्रेड ले रहे हो, इंट्राडे में उछल कूद कर रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर सीरियस ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए। और ये देखिए आपका 16 जनवरी का हाई है, वहां से आपका मार्केट ये देख सकते हैं। और ये जो फॉल हो रहा है बहुत स्टीप फॉल हो रहा है, ऐसे फॉल्स बहुत कम आए थे, यहाँ पे एक बार हुआ था, आई थिंक ये वाला फॉल बहुत बड़ा फॉल माना जाएगा। बट फंडा एक ही है कि आप इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखो ताकि आप सही तरीके से ट्रेड कर सको। आज के दिन में मुझसे भी एक गलती हुई, मुझसे गलती ये हुई जब मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे आपके सामने मैंने एक टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करी। देखो ये भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज चीजें कैसे काम करती हैं आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ पे गया ये वाला, तो बुलिश था शॉर्ट कवरिंग की, मुझे बहुत ही परफेक्ट उम्मीद थी कि शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। फ्यूचर के मैंने चार्ट को देखा बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे लगा कि ठीक ठाक है, बट
वो सेलिंग में आ गया नीचे और यहाँ पे मुझे चेंज कर देना चाहिए था अपने व्यू को, बट मैंने तो है कि ये सोचा कि बहुत ज्यादा वैसे कुछ सडन वो है तो नहीं और डेटा में भी कुछ दिख नहीं रहा था सुबह सुबह, तो पॉइंट ये था कि अच्छा ये प्राइसेशन भी था कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा हो सकता है कि जंप कर जाए फिर उसके बाद गिरे, गिरना था वो चीज ठीक थी बट वो पोजिशनली था, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में गिर जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखा कंसोलिडेशन है, तो हो सकता है कि एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे गए थे फिर उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं छोटे मोटे पॉइंट्स पे ऊपर 47,000 पे ले जाकर के फिर से गिराए, तो वो एक मुझे उम्मीद थी, यहाँ पे लगा कि शॉर्ट टर्म में ये आ सकता है। बट एक्चुअली आप सबको पता है मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज करता है, तो उसमें सिंपल फंडा ये हुआ कि यहाँ पे चेंज हमें हो जाना चाहिए बिकॉज डे लो टूट गया, तो डे लो टूटने के बाद हमारा सिंपल लॉजिक होता है कि हम जो है कि बेरिस बदल जाते हैं। डेटा भी वहाँ पे चेंज हो गया था, डेटा में भी आप अगर देखेंगे तो निफ्टी में बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश था बट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी डेटा जो है कि चेंज होना शुरू हो गए थे, आपके अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी पुट में और कॉल आपका हुआ, देखिए यहाँ पे एक और पहले से भी बेरिस था, हमने पहले भी देखा हुआ था कॉल हुआ यहाँ पे ज्यादा थे, तो ये सब चीजें थी बट पॉइंट ये हुआ कि मुझे लगा कि रिवर्स कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये एक मैंने तो कहा कि भाई आपका है तो मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली मोस्ट ऑफ आ सकती है मोस्ट ऑफ, बट नहीं है अभी। उसके बाद दूसरा यूज बाय द डिप, आई थिंक 9:16 पे मैंने आपको कहा है, तो बाय द डिप करना है। उसके बाद 9:43 पे जब मार्केट यहाँ पे था, आई थिंक ये कहीं पे हो सकता है 9:43 हाँ यहाँ पे इसके पास, तो ये लगा कि डी हाई का सपोर्ट यहाँ से कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो मैंने आप सबसे कहा कि भाई आई थिंक मुझे स्पॉट दिखाना चाहिए तो आपको ज्यादा बेटर आएगा यहाँ पे। सो 9:43 ये रहा, तो नाइन इसी लेवल पे मैंने आपसे कहा कि अब जो है कि एक्ट करना है, लेकिन उसमें एक देखो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, मतलब आज के दिन में जो हमने रिस्क लिया ना बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लिया, आई थिंक ये वाला डे लो बना था, इस वाले डे लो के साथ हमने इस वाली कैंडल पे 43 है तो यहीं पे कहीं पे बताया था कि आपको इसमें ट्रेड करना है, तो मैंने आपको कहा कि एक्ट करना है। देन उसके बाद देखो 9:44 पे मैंने कहा एक्ट करना है, एंड उसके बाद ये भी बताया कि एक 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाएगी डे लो के नीचे तो आपको एग्जिट हो जाना है, तो छोटा स्टॉप लॉस था, छोटे तरीके से ट्रेड होना चाहिए और ऐसे ही आपको करना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी कि भाई निकलना है, तो 9:50 की ये जो कैंडल है आई थिंक ये वाली कैंडल है होगी, तो ये नीचे मतलब ये वाली क्लोज हो गई, तो ये वाली कैंडल मैंने अपडेट किया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस था आप अगर देखेंगे तो माइनर है, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड किया और वो गलत गया, उम्मीद थी कि रिवर्स हो जाएगा बट नहीं हुआ। और अब बोलोगे सर जी बेरिस हो गया तो आपको बेरिस व्यू बनाना चाहिए था, देखो कभी कभी ऐसा होता ना कि आप मार्केट में जो हो रहा होता है आपको वो विश्वास नहीं होता, तो आज के दिन का जो फॉल था ना मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, हालांकि HDFC बैंक को आप अगर देखोगे तो शुरू में गिरी रही थी HDFC बैंक, तो वहां से क्लियर कट था ही कि HDFC गिर रही है, तो फिर वो सब आप देखे मतलब क्लियर कट यहाँ पे सपोर्ट टूट चुका है सबका और गैप डाउन हो रखी है, तो ये क्लियर कट इरादा था। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ ये मेरे कुछ तरीके हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, नहीं एक दिन पैसा बना लॉस हो गया वो अलग बात है वो होता रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें गलत नहीं होना चाहिए ये वाली बात है, तो इस गिरावट में मुझे भरोसा नहीं था, इसकी वजह से फिर मैंने कोई अपडेट नहीं शेयर करी, वरना मैं आपको तुरंत आप सबको बताए कि सेलिंग के लेवल भी मैं देता हूं और मैंने सेलिंग के लेवल दिए, बट कहीं ना कहीं भरोसा नहीं था तो मैंने उसको रहने दिया, और आज मार्केट ने काफी ज्यादा सरप्राइज किया और यही मार्केट है, इसलिए मार्केट कहते हैं सुप्रीम है। ओके खैर कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, जो नॉर्मल चीजें हम करते हैं वो चीजें, हालांकि काफी ज्यादा पिटाई हुई होगी काफी पोर्टफोलियोज की तो वो आपको नुकसान दिया होगा। अब क्या है मार्केट में, अभी भी देखो मार्केट हमारा अब बेरिश जोन में ही आ चुका है, यहाँ पे आपके सेलिंग हो रखी है, FIS की सेलिंग हो रखी है, और ये चीज मैंने आपको पहले से बता रखी थी भैया कि डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर गया तो आप मार्केट नहीं टिका सकते ऊपर, किसी भी हालत में आपको गिरना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग डाउ जोन्स को देख करके चिल्ला रहे हैं कि भैया डाउ जोन्स तो नीचे है और डाउ जोन्स ऊपर है, अरे डाउ जोन्स की वजह से तुम चलोगे, मतलब ठीक है डाउ जोन्स सही है ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो भी तो गिर सकता है ना, जरूर थोड़ी कि डाउ जोन्स पे टिकेगा, वो भी नहीं टिकेगा, वो भी गिरना शुरू करेगा, तो फंडा यह है कि आप उनको मत देखो, उन चीजों को देखो जो पूरी दुनिया भर के मार्केट्स को चलाते हैं, और दुनिया भर के मार्केट्स को चलाने का काम है डॉलर इंडेक्स का, आपके US 10-year बॉन्ड यील्ड का, वहां की इकोनॉमी का और वहां के मार्केट में आने वाले रिजल्ट्स की कंडीशन का, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखो। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को लगा होगा मार्केट क्यों गिरा, तो मार्केट गिरने का कोई खास रीजन नहीं है, और यही है कि भाई HDFC बैंक नेगेटिव था, HDFC बैंक में FIS, अच्छा सबसे ज्यादा HDFC बैंक होल्ड कर रहे हैं FIS, थोड़ा समय प्री मार्केट में आता हूँ बट इसके पहले आपको मैं समझा दूँ, देखो इन सब चीजों को ध्यान दिया करो, और अगर आप लोग मेरे वेबिनार को नहीं देखे ना तो फिर गलत बात है, वेबिनार की आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने दे रखी है, इसमें मैंने प्रॉपर समझाया हुआ कि कैसे चीजों को वैल्यू करते हैं, और आप अगर देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टर्स में तो FIS के पास जो है ना लगभग 52% का स्टॉक है, मतलब HDFC बैंक का 52% का स्टेक जो है वो FIS के पास है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा माल है वही तो सबसे ज्यादा बेच सकता है ना, हम आप बेचेंगे, मैंने तो कभी इन्वेस्ट किया नहीं इसमें HDFC बैंक में, मैं तो दूसरी जगह करता हूँ, बट पॉइंट है कि जिसके पास माल है वही बेचेगा ना, जिसके पास माल ही नहीं है वो बेचेगा क्या, तो HDFC बैंक सबसे ज्यादा FIS के पास है, वो लोग बेच रहे हैं, और जब वो लोग बेच रहे हैं तो आपका HDFC बैंक हैवी वेट है,
वो गिरेगा तो मार्केट गिरेगा। तो डेफिनेटली ये सब चीजें रिलेशन में है और आप सबको ये जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके तो और इसके साथ साथ आपको पता है कि जो जी लिमिटेड और जीलन का मतलब बेसिकली जी लिमिटेड जील और जो सोनी का मर्जर होने वाला था वो कॉल्ड ऑफ हो गया, कॉल्ड ऑफ मतलब कि कैंसिल हो गया। प्लस 1000 करोड़ का आई थिंक, मुझे इसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, वो वैलिडेट नहीं कर सकता। ये कॉल्ड ऑफ वाला तो वैलिडेट कर सकता है, ऑथेंटिकेट है, बट ये 1000 करोड़ का जो कैश सिफॉन्ड किया है उन्होंने, मतलब कि बेसिकली फ्रॉड इसको हम कह सकते हैं, घोटाला। तो 1000 करोड़ का प्रमोटर्स के ऊपर घोटाला लगा है। अच्छा मैं बोल दूं, ये चीज को मैं वैलिडेट नहीं करता, ये जस्ट मुझे कहीं से मिला है तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये न्यूज प्रॉपर है या फिर नहीं है, चेक करना पड़ेगा क्या है, बट वो चेक करने का भी टाइम यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम एक जस्ट व्यू ले रहे हैं मार्केट का। ओके तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा पैनिक आया, हालांकि इसकी वजह से मार्केट में पैनिक नहीं आएगा, बट एक पॉइंट होता है ना कि जब सेंटिमेंटल इशू क्रिएट होता है यहाँ पे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैटर करता है ये सब चीजें। ओके तो ये जो चीजें थी मार्केट में, काफी ग्लोबल क्यूज का सेटबैक था, प्लस आपको यहाँ पे आपके खुद एचडीएफसी बैंक का एक तरीके से वो था, इसके साथ साथ आईसीआईसी बैंक ने थोड़ी सी कोशिश करी थी, वो गैप अप थी, बट उसके बाद उसने भी गिव अप कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे आपके एसबीआई, कोटक, ये सब गिरे और मार्केट आपका गिरा। काफी हैवी सेलिंग हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको हमेशा से चिल्ला रहा हूँ डिसंबर से, हाँ फिर मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बताया भी है कि डिसंबर से मैं चिल्ला रहा हूँ कि आप मार्केट में ओवरबॉट मत हो जाओ। कोई मैंने नहीं यहाँ पे कोई खास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं शेयर कर, मतलब कोई स्टॉक नहीं शेयर किया, ये बात समझ लो, जब मैं स्टॉक देना बंद कर दूं ना तो समझ जाना कि मार्केट ओवरबॉट है, ये पक्का समझ लो। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं जब मोहित भाई कॉल देना बंद कर दे, यानी स्टॉक को कौन से स्टॉक खरीदने हैं कौन से नहीं खरीदने, अगर वो कहना बंद कर दे तो ये समझ लेना कि मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट सही जगह नहीं है। क्योंकि मैं मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलता हूं, मार्केट नीचे रहता है तो फिर एंट्री करता हूं, मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, यही मेरा तरीका है ट्रेड करने का और यही मैं आपको बताता भी हूं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूं। 26 अक्टूबर को मैंने आपसे बताया था कि बाई करना है, देन उसके बाद आपको दिसंबर से बोल रहा हूं कि बेचना है, और फिर उसके बाद आपके पास फिर मैं बताऊंगा जब सही टाइम आएगा, लेकिन अभी वो सही टाइम नहीं है। ओके तो ये अपडेट थी मार्केट की। अब हम चलते हैं प्री मार्केट वीडियोस देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे हम बाई और कहाँ पे सेल कर सकते हैं, जो कि अगले दिन। तो एक्सपायरी का लास्ट वीक है, आप सबको पता होगा एक्सपायरी प्रेशर भी होता है, जो है कि पोजीशंस रोल ओवर होती हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा निफ्टी का थोड़ा दोनों वीक की मतलब दोनों मंथ की एक्सपायरी का व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन चेन है फिलहाल, जो हम अगर 25 जनवरी की सीरीज का देखें तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा नहीं दिखेगा पुट कॉल वाइज, ओके कोई बात नहीं, क्यूमुलेटिव बेसिस पर अगर देखें तो 0.86 का पीसीआर आ चुका है, तो ये बेसिकली वोलेटाइल का इशारा करता है और बेरिश टू साइडवेज का भी व्यू बनाता है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपका जो ये पीसीआर है वो नेगेटिव हो चुका है, और इसके पहले 1.4 था जहां पे मैंने कहा था कि ये ओवरबॉट हो चुका है, 1.46 था, वहां से ये नीचे आ गया, तो आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए। ओके सिंपली अब देखते हैं कि कहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। तो सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं, डेटा नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, डेटा को देखेंगे भी तो भी कोई मतलब नहीं है, हम लेवल्स को देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। लेवल्स हमारे पास जो है वो यही है कि ये जो हमारे बाइंग के लेवल हैं, एक मिनट मुझे थोड़ा, बाइंग का तो यहाँ पे कहीं कुछ मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से, एक ही लेवल था बट आई थिंक ब्रीच कर चुका है ये, एक मिनट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, नहीं अभी जिंदा है। ओके अभी ये जिंदा है तो इसी के साथ चलेंगे। चलिए तो हमारे पास जो बाइंग का लेवल है वो यही वाला है और हम यहीं पे बाइंग करेंगे, ये तो फिर आप समझ लो कि इसके नीचे गया तो फिर मार्केट के भगवान ही मालिक है, आप सबको याद रखना है। सिंपल जो हमारे पास बाइंग का लेवल है वो यहाँ पे ही आके निकल गया है 21.186, तो 185 हम मान लेंगे, यहाँ से लेकर के 142 हम यहाँ तक बाई करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है, और रिवर्सल का 5 मिनट पे कोई सिग्नल बनेगा तब, आते ही नहीं करना है, सिंपल याद रखना। यहाँ पे ओपन फ्लैट होगा, यहाँ पे नीचे जाएगा और यहाँ से एक कोई हैमर कैंडल बन जाएगी, बुलिश हैमर या फिर एक दोजी कैंडल, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर बुलिश हरामी कैंडल, कुछ भी बन जाए बाइंग सिग्नल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप बाई करोगे और आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 395 का, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना। इसमें स्टॉप लॉस जो आपका हो जाएगा वो 120 का ले सकते हो, 120 का स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है, अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है तो सेल करेंगे, और जो हम सेल करेंगे वो यहां से करेंगे,
हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये पिछला वाला सपोर्ट था उसी जगह से ये ब्रेक हो गया और ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नीचे चला गया है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है ये वाला है, सिंपली 21,383 से लेकर के 83 है तो 85 मान लो, 85 से लेकर के 435 तक हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा इसका हाई जो कि है 480 का, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, 480 का ही है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, 480 का स्टॉप लॉस है, 480 के स्टॉप लॉस के साथ अब यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और फ्लैट ओपन कर ऊपर जाएगा तब, और नीचे हमारा पहला टारगेट 250 और उसके बाद इसके नीचे अगर ब्रेक हो गया तो रिवर्सल पे फिर से नीचे जाएगा तो और हम ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ये पहली प्लानिंग आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चल सकते हो निफ्टी में। बैंक निफ्टी का अगर हम देख ले तो डेटा तो नेगेटिव है ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अगर मैं लेवल्स देखना चाहूँ तो लेवल्स हमारे पास जो है बैंक निफ्टी के, थोड़ा सा एपिंग पेन दिक्कत कर रहा है उसके पास जाने में। बैंक निफ्टी में भी मैं एक बार बड़े लेवल्स पे देख लेता हूँ कि कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्लियर कट यहाँ पे देखिए, डाउनफॉल बेस फॉर्मेशन देन उसके बाद डाउनफॉल, ये कंटिन्यू करेगा, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा बट पोजिशनल बेसिस तक करेगा, शॉर्ट टर्म में तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो ये पॉइंट होता है कि हमें कहीं ना कहीं समझ रखनी चाहिए जो कि ये हो रहा है। ओके, हमारे पास जो फिलहाल लेवल बन के आएगा बाइंग का यहां से लेकर के ये यहां तक, बिकॉज इस एरिया में आने के बाद सपोर्ट एक बना था। तो आ जाओ भाई, ये देखिए आपका निफ्टी ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद नीचे आएगा, सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद फिर आपको ऊपर जाता, ये एरिया कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। हमें इस बार एक बार यहाँ पे एक बार चांस जरूर लेना चाहिए इस जगह पे। तो सिंपली इसको देखते हैं कैसे करेंगे, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और थोड़ा सा बड़ा लेवल है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, बहुत बड़ा है 411 से 200, तो एडजस्ट करने के लिए हम चलते हैं इसी के पास और एक बार देख लेते हैं कि कहां से एग्जैक्ट रिवर्सल हुआ था। आई थिंक ये बैंक निफ्टी ही है ना, देख रहे काफी बेस, काफी बड़ा बेस फॉर्मेशन है तो इसीलिए हम इसको एक बार चांस देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप आने के, ये कंटिन्यू रैली थी ऊपर गया, देन इसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ, बेस फॉर्मेशन के बाद ये ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के भी सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो बायर होंगे वो इस लेवल को जरूर सस्टेन करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं बाइंग का लेवल आपको देता हूँ, एग्जैक्ट हमारा बाइंग का लेवल क्या रहेगा, हमारा एग्जैक्ट बाइंग का लेवल है ये वाला जो कि शुरू हो रहा है यहाँ से 423, तो 420 ले लो, 420 नीचे की तरफ ले लो। ओके, 420 से लेकर के 355 तक हम यहाँ पे बाई करेंगे और हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा वो यहाँ से 55 है तो 40 का ले लो, 40 का, तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, सॉरी बाई करेंगे। यहाँ पे अगर आ गई तो हम बाई करेंगे और रिवर्सल का वेट नहीं करना, यहाँ पे आने के बाद कोई भी एक छोटा मोटा रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट का नहीं मिलेगा तो 1 मिनट पे देख लेना तो भी कर सकते हो, ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि काम कर सकता है लेवल। ओके, तो सिंपली यहाँ पे 330 के स्टॉप लॉस के साथ 330 मान लो, 30 4 4 4 4 3 3 0 इस स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे इस लेवल पे आने पे 420 से लेकर के 355 तक हम बाई करेंगे। पहला टारगेट 460, फिर बस 70 का हो सकता है, अगर रिकवरी आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर हमें फिर से नीचे जाना है, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। ऊपर की तरफ हम कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, तो ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज हम शॉर्ट करेंगे जो कि हमारा लेवल होगा यही वाला, जैसे देखिए नीचे आने के बाद सपोर्ट मिला था फिर ऊपर का और फिर उसके बाद नीचे इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो इसी एरिया से हम कहीं ना कहीं शॉर्ट करेंगे बट थोड़ा सा इसमें लिटिल ऊपर की तरफ रहेगा जो कि शुरू हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा शॉर्ट होगा और स्टॉप लॉस का ये होगा, यहां पे शॉर्ट करेंगे 355 है तो 315 ले लो, 315 से लेकर के 366 है तो 65 ले लो, 365 तक हम शॉर्ट करेंगे 315 से और स्टॉप लॉस रहेगा 395 का। ओके, ये स्टॉप लॉस हम लेकर के ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे और इसमें हमारा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा नीचे वाला, तो जो कि 45100 का निकल के आ रहा है। तो ये दो प्लानिंग है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, फिर निफ्टी का रहने देते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे कभी, अभी के लिए ये नॉर्मल प्लानिंग समझ के चले। ये मार्केट ओवर मतलब ब्रॉडर व्यू में मार्केट चल रहा है, इसको आप अंडरस्टैंड करिए, फिर अगर कुछ इनके कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स को ले लें तो HDFC बैंक को तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो थोड़े से मूवमेंट आ सकते हैं उसके, तो एक बार वहां पे भी देख लेते हैं। तो कोटक बैंक एक बार हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर हमें कल मिल जाए यहाँ पे,
और यहाँ से, तो देखिए लेवल्स में आपको देता हूँ, तो 1796 है तो 195 ले लो, 95 से 1800 तक हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा 1802 का रहेगा, 1803 के स्टॉप लॉस हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा इसमें पहला टारगेट बन जाएगा 80 का, ओके। और बाई भी कर सकते हैं, तो बाई हम करेंगे इस एरिया से जो कि हमारा शुरू हो रहा है 1700 से, यहाँ पे लगभग ये हो जाएगा 1770 से लेकर के 765 तक स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस रहेगा 60, तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट इसमें हो जाएगा सीधे सीधे 1790 का। ये कोटक बैंक के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा वाला आपका इंडसइंड ले लेते हैं, तो इंडसइंड कहाँ गई, भाग गई, INDU, यस, बहुत भयंकर फॉल हुआ इंडसइंड में भी। इसको हम शॉर्ट करेंगे यहां से यहां तक, नहीं बाइंग का नहीं, इसमें सिर्फ शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का कारण ये आप देख लीजिए, सिंपल फंडा आपको समझ में आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट मिला, सपोर्ट के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और कंटिन्यू नीचे चली गई। अगर इस एरिया पे हमें मिल जाती है कहीं भी, तो 1476 यानी 75 ले लो, 75 नहीं, इसको थोड़ा ऊपर सही ले लो, 80 ले लो 1780 से लेकर के 785 तक हम जो है कि शॉर्ट करेंगे, 1780 से लेकर के 1785 तक हम शॉर्ट करेंगे, और 1787 है तो 1788 का स्टॉप लॉस रख करके हम, सॉरी 1400 मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, 14 याद रखिए, फिर से लेवल दे रहा हूँ, 1480 से 1485 तक हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1488 का रहेगा, 3 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस हम कर सकते हैं, ओके। और इसमें जो टारगेट हमारा बनेगा वो 60 का हो जाएगा टारगेट पहला वाला, और दूसरा टारगेट 50 वाला हो जाएगा। ये प्लानिंग आप कर सकते हैं कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स में भी, और मार्केट का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर करी, कल का व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये सब चीजें आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। जो वेबिनार मैंने आपके लिए किया था उसकी रिकॉर्डिंग मैंने दे रखी है, तो आप इसको जरूर देखें, ज्वाइन करें। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो क्लासेस भी मैंने आपको बता दी 25 जनवरी चालू होगी, परसों से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।